we had started. Morphology of flowering plants. और इसमें आज हमने पहले करना है इनफ्लोरेसेंस. तो सबसे पहले बेटा जो फ्लावर है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. शूट क्या है? ये शूट है, स्टेम है, जिसमें ये नोड्स है और यहां पे लीव्स बोन है एट नोड्स. दिस इज शूट. जब इसने फ्लावर में मॉडिफाइड होना है, मतलब किसी भी शूट में, देयर इज कंडेंसेशन ऑफ इंटरनल रूट्स. द इंटरनल रूट्स गेट्स कंडेंस्ड. इस तरह से कंडेंस हो जाते हैं. ये तो फिर भी मैंने आपको दिख रहे हैं बीच में इंटरनोड्स, अदरवाइज ये इट फर्दर एंड यू नो इट बिकम्स हाईली कंडेंस. बस ऐसे से दिखते हैं. एंड वेरियस फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न ऑन दीज नोड्स. यहां पे नोड्स में लीव्स है और यहां पे क्या है, इधर ही हम करें कि यहां पे क्या है, ये है सेपल्स. एक नोड पे सेपल्स. दूसरे नोड पे पेटल्स. तीसरे नोड से यू नो स्टेमल्स. एंड फोर्थ नोड से पिस्टल. Various floral organs are born on successive nodes, right? So, flower is a modified shoot in which there occurs condensation of internodes and various floral organs or floral parts are born on the various nodes instead of leaves. ठीक है? यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? The shoot axis, the apex. The reproductive apex. Produces different kind of kinds of floral appendages. On nodes. Instead of leaves. Leaves ki jagah pe different hai. Theek hai? Therefore, हम कह सकते हैं therefore vegetative shoot apex जिसने ये बनाई थी leaves and stem, ये है vegetative shoot apex. Vegetative shoot apex gets modified into
reproductive shoot apex. और रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स का क्या है, विच टर्मिनेट्स और यू कैन से ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर. जो रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग स्टेम एंड लीव्स, इट फॉर्म्स द फ्लावर. ओके, अब हम बात कर रहे हैं इनफ्लोरेसेंस की. इनफ्लोरेसेंस क्या चीज है? इनफ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. जो इनफ्लोरेसेंस है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ऑन द फ्लोरल एक्सिस. द फ्लावर्स ऑन द एक्सिस मे बी solitary or born in clusters. ये फ्लोरल एक्सेस है, इस पे ये एक फ्लावर है, या सिंपल टिप पे एक फ्लावर है. दिस इज सॉलिटरी फ्लावर. और इन क्लस्टर्स, इस तरह से अगर ग्रुप में फ्लावर्स हो, देन द फ्लावर्स आर बोर्न इन क्लस्टर्स, राइट. हमारे पास दो मेजर टाइप के इनफ्लोरेसेंस. टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स. कौन से टाइप के इनफ्लोरेसेंस है? रेसमोस एंड साइनस. रेसमोस में क्या है बेटा? इट्स टिप रिमेन एक्टिव थ्रू आउट. ये टिप है, एपिकल बड है. द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द लेटरल साइड्स. दिस इज रेसमोस इनफ्लोरेसेंस. इट इज इनफ्लोरेसेंस ऑफ यू नो इनडेफिनेट ग्रोथ, क्योंकि ये एपिकल बड इट रिमेन एक्टिव, ऊपर ऊपर ग्रो करती है. Whereas in cymose inflorescence, the tip is modified into flower, further branches, which further terminates into flower. Again, यहाँ पे restrict हो गई, फिर इसकी branch आई, फिर यहाँ पे flower आया, फिर इसकी branch आई. फिर फ्लावर आया, फिर फ्लावर आया. दिस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस. इन रेसमोस इनफ्लोरेसेंस द फ्लोरल एक्सिस हैज इनडेफिनेट ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द लेटरल साइड, वेयर एज इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द एपिकल टिप
is changed, is modified into flower, and further growth occurs by lateral branches, whose tip also gets modified into flower, and then further branches, and likewise, this is racemose inflorescence. In cymose inflorescence, हम क्या कह सकते हैं? Cymose की हम बात कर रहे हैं. That is, floral axis has indefinite growth. Second आ जाता है flowers. FLS means flowers are born in acropetal fashion. That is, acropetal fashion का क्या मतलब है? That is, acro मतलब tip. Young flowers at tip and older at base. That is racemose inflorescence. Cymose का लिखोगे तो उल्टा है. Floral axis has definite growth. Flowers are born in basipetal fashion. यहाँ पे basipetal manner कह लो, fashion कह लो, एक ही बात. Means जो नीचे फ्लावर्स होंगे वो यंगर होंगे, ऊपर वाले फ्लावर्स ओल्डर होंगे. दिस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस. इज इट ओके? ठीक है, पहले ये लिख लो फिर आगे करते हैं. ओके मैम. अब अगर हम आ जाए टाइप्स ऑफ racemose inflorescence. सबसे पहले आ जाता है typical racemose, then corymb, then spike, catkin and hypenphoria. Typical racemes में क्या है बेटा? ये floral axis है, ये apical bud है, ये ब्रेथ है, दिस इज पेडिसल, और आप यहां पे क्या देख रहे हो? ऑल पेडिसल्स आर इक्वल. ठीक है, इन सब की पेडिसल्स जो है वो इक्वल है, राइट? एंड टिपिकल रेसीम एग्जाम्पल आ जाता है बेटा लक्स पर या रेडिश. आप कह लीजिए सबसे रेफिनस, रेफिनस इज रेडिश मूली. उसके बाद आ जाता है कॉरिंब इन्फ्लोरेसेंस. यही एपिकल बर्ड, डिफरेंस देख रहे हो संदीप? यस मैम. क्या डिफरेंस है मैम? ऑल फ्लावर्स आर एट इक्वल हाइट. हाँ, एट वन लेवल है, या हम कह सकते हैं पेडिसल्स आर अनइक्वल,
Yes, ma'am. Pedicels of lower flowers are longer than upper flowers. These are bracts. This is corymb inflorescence. Example इसका आ जाता है बेटा कैंडिडा. याद रहे तब भी ठीक है. और बोटेनिकल नेम है आइबेरिस. कॉमनली हम इसको कहते हैं कैंडिडा. एक ये ऑर्नामेंटल फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको आप घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं. स्पाइक इनफ्लोरेसेंस, इट इज लाइक रेसिन बट फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर्स आर सेसाइल. ये ब्रेक तो है ही, ये फ्लावर्स है. This is apical bud. ये ब्रेक है. This is flowers. So sessile flowers. Born in, आपको पता ही है, acropical fashion. This is spike. एग्जाम्पल इसका आ जाता है बॉटल ब्रश. कैलिस्टेमोन हम इसको बोल देते हैं. कैलिस्टेमोन एक मतलब मिडल हाइट का इतना सा प्लांट होगा या थोड़ा सा और ऊंचा करके, है ना, और उसपे रेड रेड फ्लावर्स होते हैं और वो झड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर. ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट है कैलिस्टेमोन, जिसको बोल देते हैं कॉमनली. बॉटल ब्रश, कैटकिन, यूनिसेक्सुअल, ड्रूपिंग स्पाइक. स्पाइक ही है बट पहली बात तो ये इस तरह से फोल्डेड होती है एंड द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. ब्रैक्ट ये है, ब्रैक्ट है ही ऐसी. एग्जाम्पल है मलबरी मोरस एल्बा या सिंपल मोरस. इट्स मलबरी. देन अनदर इज यहाँ पे अभी हाइपनथोडियम नहीं, यहाँ पे करो स्पैडिक्स. Another is spadix inflorescence. In spadix inflorescence, there is enlarged bract. अच्छा एक और लिखना पॉइंट. The axis of the inflorescence is called as peduncle. The axis of the inflorescence is called as peduncle. Here it is fleshy peduncle. This is colored bract. बहुत बड़ी bract है. And this is called as spathe.
और इसी के नाम पे रख दिया स्पैडिक सेंट्रल्स, ठीक है, यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स। ये देखो ऊपर वाली साइड नहीं है, नीचे वाली साइड। ये जो फ्लावर्स है, दीज आर मेल फ्लावर्स, बीच में न्यूटर फ्लावर्स और ये नीचे फीमेल फ्लावर्स। दिस इज स्पैडिक इनफ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल है एरम, अरबी, एरम। Another is colocasia, kachalu. Arum. Another is colocasia. Right? बनाए बेटा ये आपने, बनाओ ये जल्दी से। Another is capitulum or racemose head. Example है sunflower. पहले ये बाकी का लिखो, फिर मैं इसके बारे में भी बताऊं। In sunflower, the inflorescence is surrounded by whorl of bracts. Sunflower के नीचे जो green green structures पत्तियां होती है, whorl of bracts called as involucre. INVOLUCRE, involucre. It bears two type of flowers. It bears two type of flowers. That is disc florets in the center, disc florets in the center, and ray florets at the periphery. Ray florets at the periphery. Disc florets are bisexual. Disc florets are bisexual, whereas ray florets are either neuter flowers, or they are female flowers. Ya neuter flowers hai ya female flowers. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं रेसमोस, सॉरी साइमोस इनफ्लोरेसेंस। साइमोस इनफ्लोरेसेंस एग्जांपल लिख लीजिए, अकेशिया, ACACIA, सिर्फ हमने नाम ही एग्जांपल्स ही लिखने हैं। अकेशिया, सेकंड एग्जांपल आ जाता है रननकुलम। स्पेलिंग मैम अकेशिया के स्पेल ACACIA, acacia. Another is ranunculus, RUNUN, ranunculus, CULUS. ठीक है, इसको commonly बोलते हैं buttercup. ठीक है जी, तो हम इतना ही करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, ज्यादा नहीं करेंगे। एक बेटा एक और, सिर्फ हम एग्जांपल्स देते, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस।
फर्स्ट आ जाइए हाइपेंथोडियम, एच वाई पी ए एन, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल है बेनियन ट्री, पीपल ट्री एटसेट्रा, बेनियन ट्री, पीपल एटसेट्रा। सेकेंड है वर्टिसिलेस्टर, वीई आर टी आई, वीई आर टी आई सी आई, सी आई डबल एल ए एस टी आर, वर्टिसिलेस्टर। एग्जाम्पल है तुलसी, तुलसी। अनदर इज साल्विया, साल्विया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमारे पास कौन से हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमंस, पिस्टिल और कार्पेल। सेपल्स जो है आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी बर्ड, इसको बोलते हैं सेपल्स। Protect the reproductive structures in bud conditions. Bud condition means जब फूल बंद है तो sepals जो है वही protect करें। ठीक है, group of sepals, sepals 3, 5, 7 इस तरह से जितने भी है, group of sepals is called as calyx. सेपल्स जो है अगर किसी फ्लावर की है अगर हम इस तरह से बनाए फ्लावर, दे मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर और इन सम केसेस द सेपल्स में भी फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, सो फ्री सेपल्स इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेफलस। एंड इफ देयर आर फ्यूज्ड सेपल्स, सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, दिस इज गैमोसेफलस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेडिसल, सॉरी पेटल्स।
these are present inner two sepals. These are colored. Flower का color इन्हीं के कारण है. क्यों colored है? Mainly attract the pollinating agents. जैसे ये है calyx group of sepals, इनको बोलते हैं group को बोलते हैं. आप पूरा लिखना group of petals is called as corolla. Sepals की तरह से ही corolla can be polypetalous अगर free है, और they can be fused gamopetalous. Then next is stamens. Stamens form androecia. Stamens are male reproductive structure and form androecium. Each stamen हर stamen में क्या है? एंथर है या फिलामेंट है, ठीक है? This is anther, this is filament. और ये क्या है? ये दो anther lobes है. और ये एक दूसरे से attached है. This is called as, you know, connective. Bilobed anther. This is typical. Bilobed anther. ठीक है, उसके बाद एंथर लोब में ये देखिए, हर एंथर लोब में देयर आर प्रेजेंट कोलन सैक्स. ईच एंथर लोब, ये है वन एंथर लोब, ये है टू कोलन सैक्स. सो ईच एंथर लोब हैज टू कोलन सैक्स, ठीक है? एंड यहीं पे मैं इसका कंटिन्यू कर रही हूं, जो पोलन ग्रेन्स है आर प्रोड्यूस्ड इन pollen sacs. और कई बार pollen grains नहीं बनते, ठीक है? In some cases, in some stamens, pollen sacs किसी कारण से do not produce pollen.
अगर पोलन ग्रेन्स ही नहीं बने तो जो स्टेमन है वो क्या है, स्टराइल है, वो नॉन रिप्रोडक्टिव है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्टराइल स्टेमन. और इसको और क्या बोल देते हैं, स्टेमिनल. सो व्हाट इज स्टेमिनल, इट इज sterile stamen which do not produce pollen. ठीक है, उसके बाद then next is adhesion or fusion of stamens. They can be मैं अभी ये बताऊंगी आपको, अभी ये सिर्फ टर्म लिखनी है, एपिपेटलस एपिफिलस या फिर अडेल्फस. ठीक है, पहले आप ये लिख लो ताकि हमारा बोर्ड खाली हो और फिर हम आपको आगे का बता सकें कि क्या. यहाँ पे सेपल्स एंड पेटल्स लिखा है, वहां पे कहीं ऊपर करके लिख लो. इन मोनोकॉट्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. या तो दोनों वॉल कलर्ड है या दोनों कलरलेस है. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स. And such leafy structures are called as tepals. T-E-P-A-L-S. Tepals. Group of tepals is called as perian. Group of tepals is called as perian. If they are free, it is polytepalous. If they are fused, gametepalous. अब यहां पे आ जाइए, एपिपेटलस एपिफिलस या एडेल्फस, ये फ्यूजन की बात है. तो सबसे पहले आ जाइए एपिपेटलस. Epipetalous means when the stamens are attached with petals. Example है brinjal. मैम epipetalous और tepals और epipetals. Epipetalous की बात कर रही हूँ. Epipetalous. Okay ma'am. Epipetalous. When the stamens are attached to petals. Example है brinjal. फिर है epiphyllous. When the stamens are attached to tepals. P-E-P-A-L-S. तो उसको बोलते हैं एपिफिलस. एग्जाम्पल है लिली. और फिर है अडेल्फस. अडेल्फस का मतलब है व्हेन द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. When they are fused with each other. जो अडेल्फस है बेटा,
ये फर्दर मोनो अडेल्फस डायडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस अडेल्फस कंडीशन फर्दर जो है वो तीन टाइप की है. मोनोडेल्फस में लिखो इफ ऑल स्टेमंस आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन ग्रुप. If all stamens are fused to form one bundle or one group, it is monodelphous. Example is hibiscus, China rose. Next है diadelphous. If stamens are fused, if stamens are fused to form two bundles, example है पी मटर जो है उसके बाद है if stamens are fused to form more than two bundles, if the stamens are fused to form more than two bundles, वो हो जाते हैं polyadelphous. Example है citrus. मैम what is example? Citrus, नींबू वगैरह जो है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट कर लो. इफ ऑल स्टेमंस आर फ्री फ्रॉम ईच अदर किसी के साथ फ्यूजन ही नहीं है ना सेपल्स ना पेटल्स ना खुद फ्यूज्ड है. इफ द स्टेमंस आर फ्री फ्रॉम या फ्री फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज पेटल्स और टेपल्स it is called as polyandrous. Polyandrous. Next आ जाते हैं next है in In salvia and mustard. In salvia and mustard, there are stamens of different lengths. There are stamens of different lengths. In mustard, the condition is tetradynamous. Tetradynamous. Having six stamens. Tetradynamous means six stamens. Arranged in two whorls.
inner whorl has four long stamens. Inner whorl has four long stamens, whereas outer whorl has two short stamens. उसके बाद आ जाते हैं इनसाल्विया. इनसाल्विया देयर आर फोर स्टेमन्स. टू इनर लॉन्ग एंड टू आउटर शॉर्ट. ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है? यस मैम. ये येलो वाला दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर है? ये दो आप यस मैम दिख रहा है. ये अंदर जो है बड़े हैं और बाहर दो छोटे हैं. कैन यू सी? यस मैम. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायाडायनमस. लिख लो. इन In salvia, there is diadynamous condition. Diadynamous मतलब दो inner long and two outer short. Is it okay? So this is about your, you know, androecium. Next हम आ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइनेशियम या गाइनोशियम. इट इज द female reproductive part of plant and is formed of one or more pistils ya कार्पल्स. क्या है इसमें? पिस्टिल या कार्पल में स्टिग्मा. दिस इज स्टाइल. एंड दिस इज ओवल. दिस इज स्टिग्मा स्टाइल. Inside the ovary, there are present ovules. These are ovules or megasporangia. Stigma, it receives pollen grains. Style का function क्या है? It provides passage to pollen tube. Ovules, fertilized ovules, form seeds
फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स सीड्स बनाते हैं एंड ओवरी राइप ओवरी फॉर्म्स फ्रूट्स या पेरिकार्प। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जो ओव्यूल्स है, ये ओवरी का पार्ट वेयर द ओव्यूल्स आर अटैच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। द पार्ट ऑफ द ओवरी, द पार्ट ऑफ ओवरी with which ovules are attached is flat, cushion-like. And is called as placenta. द अरेंजमेंट ऑफ, ये जो प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कई तरह से कई अरेंजमेंट है उसके अटैच होने के, और उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा is called as placentation. Number of carpels, there may be one carpel or there can be many carpels. So condition is monocarpal and here is polycarpal. Or it can be मल्टी कार्पल, एक ही बात। अगर बहुत सारे कार्पल्स है तो दे मे बी फ्री कार्पल्स और दे मे बी फ्यूज्ड कार्पल्स। अगर कार्पल्स फ्री है तो टर्म आ जाती है बेटा एपोकार्पस। हम सिंपल कह देते हैं एपोकार्पस ओवरी या एपोकार्पस कंडीशन। देन अगर फ्यूज्ड है देन इट इज सिनकार्पस। इट इज एपोकार्पस और सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस एग्जाम्पल आ जाता है बेटा। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटस, अनदर इज रोज, सिनकार्पस। मस्टर्ड Another is tomato. ठीक है, ये examples होती तो बहुत सारी है, but these are common examples. Apocarpus, lotus and rose, syncarpus, mustard and tomato. लिखो पहले भी। Next time आ जाते हैं बेटा aestivation पे। So what is aestivation? Aestivation is
arrangement of sepals or petals in bud condition. Aestivation is arrangement of sepals or petal. बड में हमें इजीली नजर आ जाती है बड कंडीशन, इसलिए हमने कह दिस इज एस्टिवेशन. ये देखिए if they are free from each other, this is called as volvate aestivation. ये representation है कि पांच sepals है या petals है और वो एक दूसरे से free. This is called as volvate aestivation. Next type ki aestivation aa jati hai, twisted aestivation. Har sepal ya petal ka एक एंड ओवरलैपिंग है. मैम इसके सेंटर में नहीं कुछ बनाना? नहीं बेटा, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन ही है ना. इन दिस दिस इज twisted. In this, each sepal or petal has one end overlapping, other end overlapping. एक end जो है वो overlapping है और दूसरा overlapped है. This is twisted. उसके बाद आ जाता है imbricate. इम्ब्रिकेट में क्या है बच्चे? एक जो है नाम से देखना है बनाने में this is ठीक है. यहां पे क्या है? this one it is completely overlap, this is completely overlapping. और ये जो है बाकी जो तीन है देयर वन एंड ओवरलैप अनदर एंड ओवरलैप, दिस इज इम्ब्रिकेट. और उसके बाद लास्ट आ जाती है दिस इज इम्ब्रिकेट. और उसके बाद लास्ट आ जाती है वैक्सिलरी. इसमें बेटा एक जो ये
this is the largest pattern. और ये जो है दो छोटी सी ये एक दूसरे के साथ यूज दीज आर यूज विद दूसरे का इस तरह से दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन. ठीक है, ये आपको एक पता चल गया. दिस इज स्टैंडर्ड. दीज आर टू विंग्स एंड दीज टू फॉर्म्स की यूज्ड विद ईच अदर टू फॉर्म की. ठीक है जी, तो पहले लिख लो फिर हम आगे आप बना भी ले. राइट, तो वॉल्वेट एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. कॉमनली इसको बोलते हैं अक कैलोट्रोपिस. यहां पे इसके नीचे लिख लो द सेपल्स एंड पेटल्स. द सेपल्स और पेटल्स मे टच एट द मार्जिन. मे टच एट द मार्जिन विदाउट फ्यूजन एंड विदाउट ओवरलैप. विदाउट फ्यूजन एंड विदाउट ओवरलैपिंग. उसके बाद है ट्विस्टेड. एग्जाम्पल है हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको हम क्या देते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज कॉटन. अनदर एग्जाम्पल इज लेडी फिंगर. इन ट्विस्टेड one margin of the sepal or petal, one margin of sepal and petal overlaps the other. Whereas the other margin is overlapped. And the other margin is overlapped. Next है imbricate. Example है केसिया. Commonly बोलते हैं अमलतास. Yellow yellow flowers होते हैं. Another is गुलमोहर. Red flowers होते हैं इसके. Another is gulmohar, H-U-R. Gulmohar. In this, the posterior petal is overlapped. Ye posterior petal. Posterior petal is overlapped. Another one petal is completely overlapping. Whereas in other tree, one end overlapped and other end overlapping.
one end overlapped and other end overlapping. ठीक है, ये ऐसे लिखिए, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो भी लिख लो, क्योंकि कई बार वैसे भी आ जाती और करके इंब्रिकेट की. और इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन एनदर, ओवरलैप वन एनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज इंब्रिकेट. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है वैक्सिलरी. एग्जाम्पल है बी बीन्स एक्सेट्रा, जितने भी आपके लिग्यूम्स आ जाते हैं दालें आ जाती है वो सब वैक्सिलरी एस्टिवेशन. इसमें क्या है, फाइव पेटल्स है, देयर आर फाइव पेटल्स. ये पी बीन्स में पेटल्स में है, सेपल्स में नहीं है, पेटल्स. देयर आर फाइव पेटल्स, द लार्जेस्ट पेटल इज स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट पेटल इज स्टैंडर्ड विच ओवरलैप्स द टू लेटरल वेंस, which overlaps the two lateral veins. Which in turn overlaps two smallest anterior petals, two smallest anterior petals which form keel. It is also called as pilionaceous aestivation. It is also called as pilionaceous aestivation. ठीक है, दो मिनट इसको देख लो, फिर हम प्लेसेंटेशन भी कर लेंगे. आ जाते हैं प्लेसेंटेशन. Placentation is arrangement of ovules on the ovary wall. Placentation is arrangement of ovules on ovary wall. First I have to have marginal placentation. मार्जिनल प्रेजेंटेशन है बेटा, जहां पे ओवरी के दो एंड्स, कार्पल के दो एंड्स फ्यूज होते हो, ये मटर में, बीन्स में, यहां पे ये प्लेसेंटा है, जिसके साथ
ये ओव्यूल्स या बाद में सीड्स बन जाते हैं, ये अटैच. दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. लिख लो इसके बारे में. द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज. द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी. Along the ventral suture of the ovary. Full stop करके. The ovary. Ventral क्या के? Ventral suture. Ventral suture of the ovary. The ovules are born on this ridge. The ovules are born on this ridge, forming two rows. Example hai. Pea, beans, etc. उसके बाद सेकेंड आ जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन. इट अकर्स इन मल्टी कार्पलरी मल्टी लोक्यूलर ओवरी. मल्टी कार्पलरी syncarpus, multicarpellary, syncarpus, multilocular ovary. Multicarpellary, एक से ज्यादा carpus है, fused है और चैम्बर्स बने हुए. मल्टीलोक्यूलर मीन्स डिफरेंट चैम्बर्स. ये सेप्टा है जो डिफरेंट कार्पल्स को अलग करता है. ओव्यूल्स आर बोर्न इन द सेंटर. ओव्यूल्स आर बोर्न या आई एम एक चीज यहां पर द प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द सेंटर. The placenta is formed in the center. Or the placenta is axial. A-X-I-A-L. Axial. Means beech mein. Example hai. Hibiscus. Another is tomato. Another is lemon. Next aa jata hai beta. The writer. P-A-R-I-E. Parietal placentation. Multicarpellary syncarpus. It occurs in multicarpellary syncarpus. Unilocular ovary, एक ही चैम्बर. Unilocular ovary. The ovules are attached at the periphery.
the ovules are attached at the periphery. And a periphery means bahar ki taraf, center mein. In mustard, and argimol, ye bhi plant ka naam hai, the ovary becomes, two chambers. The ovary becomes two-chambered due to development of Paul's septum. Ye true septum nahi hai beech mein. This is Paul's septum. Also called as rachma. In mustard and argimol, the ovary becomes two-chambered due to presence of Paul's septum called as rachma. Next step, precentra. It is present in multicarpellary syncarpus unilocular ovary. Multicarpellary syncarpus unilocular ovary. Placenta is formed in the center. The placenta is formed in the center where the ovules are attached. Example hai dianthus, another is primrose, aur last aa jati hai beta. Ma'am, haan ji beta. मैम आपने सिनकार्पस के आगे क्या बोला मैम, बाद में मैम नेट चला गया था. हाँ, मैं बता देती हूँ, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलोक्युलर हो. वेयर द प्लेसेंटा डेवलप्स इन द सेंटर टू विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड. Next है basal placentation, present in monocarpellary ovary. Monocarpellary ovary and placenta develops at the placenta develops at the base of the ovary. Placenta develops at the base of the ovary with which a single ovule is attached. With which single ovule is attached. Example aa jata hai beta,
sunflower. Another is जो गेंदे का फूल होता है मैरीगोल्ड. So this is basal placentation. ठीक है समरी? ठीक है, तो ये बना भी लो और आज के लिए हमारा इतना.